नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन पासपोर्ट के बारे में कि भाई वैक्सीन पासपोर्ट क्या होता है। जी हाँ, एक तो वैक्सीन वैक्सीन पासपोर्ट क्या के बारे में आपको जान लेना ज़रूरी है कि भाई वैक्सीन पासपोर्ट ये कौन सी अलग से कौन सा पासपोर्ट होगा। जी हाँ, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। कौन सा, अगर आप विदेश जाते हैं तो कौन सा टीका आप इंडिया से लगा के जाएंगे, अगर आप WHO मान्यता प्राप्त जो टीका है वो नहीं लगवाएंगे तो आपको एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं मिल सकती। आगे जो आने वाला समय है, मैं बता दूं आपको, गौर करने की बात है, जो लोग विदेश जाने चाह रहे हैं, चाहे आप बिजनेस वीज़ा में जाएं, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा में जाएं, चाहे आप वर्क परमिट वीज़ा में जाएं, चाहे आप किसी भी प्रकार के वीज़ा में जाएं, अगर आप किसी भी देश के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, जी हाँ, तो किस आधार पे आगे आने वाले टाइम पे आपको वीज़ा मिलने वाला है, क्या वो फॉर्मेलिटी वीज़ा के लिए मांगेंगे, एयरपोर्ट पे भी आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। ख़ास तौर से कोविड अगर टीके की बात करें, जो टीके लोग लगवा रहे हैं आपको सबको पता ही है। जी हाँ, तो मैं बता दूं WHO ने कौन से टीके को मान्यता दी है, इंडिया के कौन से टीके को अभी मान्यता नहीं मिली है, तो ये सब चीज़ें आपको जान लेना ज़रूरी है। आगे आने वाले टाइम पे वैक्सीन पासपोर्ट ही चलेगा। जी हाँ, वैक्सीन पासपोर्ट क्या होता है, इससे रिलेटेड हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर ले, सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई वैक्सीन पासपोर्ट क्या है। जी हाँ, वैक्सीन पासपोर्ट का सिंपल सी बात यह है कि भाई आपको, अब देखिए आने वाले टाइम पे ये जो कोरोना अपडेट है ना, ये भयंकर तरीके से बढ़ते जा रहे हैं आंकड़े, आपको सबको पता ही है, और ये 2021 में तो ख़त्म होने वाला नहीं है इंडिया की अगर बात करें तो। जी हाँ, क्योंकि हमने उम्मीद करी थी कि भाई 2020 में ठीक हो जाएगा, ठीक हो भी गया था, आंकड़े बहुत कम आ रहे थे, अचानक से एक तरह से बूम हुआ और स्थिति आप देख सकते हैं वर्ल्ड में, इंडिया के लोग इंडिया की तरफ देखने लग गए, इंडिया के लोगों की तरफ देखने लग गए कि स्थिति खराब है। जी हाँ, तो आने वाले टाइम पे मैं बता दूं एयरपोर्ट पे जो जो यूरोपीय देश हैं खास तौर से, इनकी अगर बात करें तो भाई वो नियम बना रहे हैं अपने अपने, उनकी मर्जी चलेगी। जी हाँ, तो वैक्सीन पासपोर्ट का मतलब ये होता है कि आपको एयरपोर्ट पे जाने से पहले टिक्के लगवाने पड़ेंगे। जी हाँ, अब टिक्के कौन से लगवाने, तौर से मैं बता दूं, जानने की ज़रूरी इसलिए है कि भाई अलग अलग देश हैं, अलग अलग अपने अपने नियम बना रहे हैं, लेकिन हालांकि इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, उम्मीद है कि 2021 में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको टिक्के लगवाने की ज़रूरी पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं कौन से टिक्के, तो भाई WHO है, उन्होंने इमरजेंसी में जो टिक्के हैं उनको मान्यता दी है, उसमें अभी तक इंडिया का कोई रोल नहीं है। इंडिया के आपको पता है दो टिक्के हैं, दोनों को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। जी हाँ, अगर आप देखिए, अगर आप टीका विदेश किसी भी देश में जा रहे हैं तो कौन से टीके को मान्यता मिली है, इन्हीं टीकों को हर देश एक्सेप्ट कर रहा है। जी हाँ, फर्स्ट में बात कर लेते हैं फाइजर। जी हाँ, अगर आप इंडिया से किसी भी देश में दूसरे देश जा रहे हैं तो आप फाइजर का टीका लगवाएं, या फिर मॉडर्ना का टीका लगाएं, या फिर कोविशील्ड। कोविशील्ड इंडिया में अवेलेबल, आपको सबको पता है, ब्रिटेन और इंडिया के साझेदारी की ये टीका है कोविशील्ड, जिसको बोल सकते हैं। एस्ट्रेजेनका आप लगवा सकते हैं टू, और जॉनसन का टीका है वो भी आप लगवा सकते हैं, सिनोफार्म ये भी आप टीका लगवा सकते हैं। ये टीके हैं जो WHO ने मान्यता दे दी है इन टीकों को, भाई ये टीके लगवा के आप किसी भी देश में जाते हैं तो आपको आराम से एंट्री मिल सकती है, आपको आराम से वीज़ा भी मिल सकता है। ठीक है, अगर आप भारत की बात करें तो भाई इंडिया के जो टीके हैं, इंडिया में अगर आप हैं तो आप कोविशील्ड जो टीका है वो ही लगवाएं विदेश जाने वाले खास तौर से, क्योंकि रूस की एक स्पुतनिक आपको पता है टीका इंडिया में आ रहा है, आपको सबको पता है, जो गवर्नमेंट द्वारा भी लगवाए जा रहे हैं, लेकिन वो टीका अगर आप लगवा के जाते हैं, जैसे कोवैक्सीन है या फिर स्पुतनिक टीका है, ये दोनों टीके अगर आप लगवाते हैं तो इन टीकों से मान्यता नहीं है एयरपोर्ट पे। जी हाँ, इन टीकों को WHO ने भी अभी तक मान्यता नहीं दी है। हालांकि इंडिया का जो टीका है कोवैक्सीन, जी हाँ, अभी इसको मतलब एक तरह से बोला जाए इसको इसको WHO ने पेंडिंग में रखा हुआ है, इसकी जाँच चल रही है, कंपनी के डॉक्यूमेंट मांगे गए, अभी कंपनी ने पूरे डॉक्यूमेंट जमा नहीं दिए हैं। फिर भी भाई देखिए, इसको जून में मीटिंग होने वाली है, 5-6 महीने आराम से लग जाएंगे इस टीके को, WHO अगर मान्यता देता है तो कम से कम 5-6 महीने लग जाएंगे। तो इसको आप न लगवा के कम से कम आप कोविशील्ड जो टीका है, स्टार्टिंग में सब लोगों के कोविशील्ड ही टीका लगा है, हालांकि इसकी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम हो रही है, इस वजह से ये टीका नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। रूस का जो स्पुतनिक जो टीका अभी इंडिया में आ रहा है, आप सब लोग लगवा रहे होंगे या फिर लगवाने की सोच रहे होंगे, तो ये टीका
बता दूं मान्य नहीं है। अमेरिका ने भी इस टीके को रिजेक्ट कर दिया। जी हाँ, अमेरिका आप नहीं, यूएसए नहीं जा सकते स्पुतनिक टीका लगवा के। जी हाँ, साफ साफ उन्होंने अपनी गाइडलाइन में बोला हुआ है। वैसे भी रूस और अमेरिका का तो भाई आपको पता है 36 का आंकड़ा है, तो वैसे भी वो उसको मान्यता नहीं देता, तो इस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप विदेश, अगर अभी आप अगर ये जानकारी देख रहे हैं किसी भी विदेश में बैठे हुए, तो वहाँ पर आपको आराम से ये जो टीके मिल जाएंगे, फाइजर का, मॉडर्ना का, कोविशील्ड का, एस्ट्रोजेन का, जॉनसन का, सिनोफार्मा, ये जो 5-6 टीके मैंने बताए, इनमें से कोई भी टीके आप लगवा लेंगे तो आराम से आप किसी भी देश में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट होगा इन टीकों का आराम से, तो आप इजीली मिल जाएं। अगर आप इंडिया से किसी भी देश में जा रहे हैं तो भाई आपको इन टीकों में ही लगवाना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि रूस का स्पुतनिक लगवा लें तो आपको उसको मान्यता अभी तक नहीं मिली, हालांकि आगे मिल सकती है लेकिन अभी तक नहीं मिली है। इंडिया का जो टीका है आपको पता है कोवैक्सीन, उसको भी अभी तक मान्यता नहीं मिली है। इंडिया में 90% कोवैक्सीन ही टीका है, जो स्वदेशी है इंडिया का टीका, वही लोगों को लगाया जा रहा है। लेकिन जो विदेश जाने वाले हैं उनको खास तौर से ये टीके नहीं लगवा के वो टीके लगवाएं जिससे आपको विदेश में एयरपोर्ट पर एंट्री आराम से मिल जाए। जी हाँ, और इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। बस यही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। जय हिंद।